तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम जो आपके लिए वीडियो लेके आए हैं बहुत ही काम का होने वाला है, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जो वॉशिंग मशीन यूज करती है और उनमें समस्या आती है, वो देख के परेशान हो जाती है किस तरह से इस परेशानी को सॉल्व किया जाए, किस तरह से हल किया जाए। ये इधर वाला पानी, जो ये पानी है गंदा पानी, ये इस तरफ आ रहा है स्पिन में, स्पिन वाला जो ड्रम है इसमें आ रहा है। तो ये किस वजह से आता है और किस वजह से इस समस्या का आप समाधान कर सकते हो, दोस्तों मैं इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लाता रहता हूँ और घर में जो सामान काम में आने वाले हैं किसी भी प्रकार का उपकरण उसके ही मैं वीडियो लाता हूँ और जो समस्या है उसका क्लियर मैं हल बताता हूँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करने में दोस्तों खुद ही कर सकते हो इसे रिपेयर दोस्तों। तो हमने पीछे की तरफ से इसको खोल लिया है, ये वॉशिंग मशीन है। लगभग सभी वॉशिंग मशीन में इसी तरह का सिस्टम आता है सेमी ऑटोमेटिक में। तो ये वजह दोस्तों, इस वजह ये जो लगा हुआ है ये वाला, इसकी जो स्प्रिंग अगर लूज हो जाती है, यहाँ स्प्रिंग आती है, वो स्प्रिंग लूज होने की वजह से थोड़ा ये दब नहीं पाता है, मतलब इसका प्रेशर यहाँ नहीं रहता, इस वजह से ये समस्या आती है। तो इधर वाला जो पानी है वो इसमें चला जाता है स्पिन में, इस तरह से चढ़ के यहाँ आ जाता है। तो ये वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग चेंज करना है। चेंज करने के बाद में दोस्तों ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपके सोल्व होने वाली है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हम इसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं मिले तो कौन सी स्प्रिंग आप इसमें सेट कर सकते हो खोल लेना है और हम आपको बताने वाले हैं इसमें क्या समस्या है। तो ये देख सकते हो, ये स्प्रिंग है इसकी, ये वाली स्प्रिंग है, ये टूटी हुई है, गल के बिल्कुल टूट गई है। तो इसे इस तरीके से खोल लेना है, पहले इस तरीके से खुल जाएगा ये। तो हमने निकाल लिया है और ये जो स्प्रिंग है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये बिल्कुल चूर चूर हो गई है स्प्रिंग, चार रुपये इसकी। तो इसे झटका लेना इस तरीके से और ये देख सकते तो आप, ये हम इसमें लगाने वाले हैं इस तरीके से ताकि ये वापस वर्क करे और हमारा काम चल जाए। देखिए तो स्प्रिंग इस तरीके से लूज हो रही है, तो इसे फिटिंग कर लेते हैं। इधर दिखा बेटा, इधर दिखा। तो इसे फिटिंग करने का तरीका है दोस्तों, इस तरीके से इसे वापस लगा लेना है। तो हमने लगा दिया है और इस तरीके से वापस फिटिंग कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए थोड़ा साइज हो जाएगा तो ये पानी निकल जाएगा इसका। ये देखिए अब इसमें हम पानी भरने वाले हैं, इसमें पानी भरने वाले हैं, फिर देखते हैं ये ऊपर चढ़ता है या पानी नहीं चढ़ता है। तो दोस्तों ये पानी हम इसमें भर दिए हैं और इधर नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, कंप्लीट ये हो गई है।